शुभ्रा जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं जानना चाहता हूँ जो आज शिविर लगा रहे हैं, इसमें कितनी महिलाएं आपके साथ इससे जुड़ी हुई है? हमारे यहाँ पे लोकल में क्योंकि महिलाएं हैं और बुजुर्ग काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जिनको आंखों की समस्या काफ़ी आई हुई है और कानों की समस्या, और ये यहाँ पे जो हमारे निगम पार्षद जी द्वारा लगाया गया है ये शिविर, बहुत ही अच्छी बात है कि ये लगाया गया है, क्योंकि फ्री में निशुल्क उनकी जांच हो पाएगी, क्योंकि ये समस्याएं सभी की हैं और बार बार नेत्र का जो नंबर होता है वो बढ़ता या घटता रहता है, तो ये ज़रूरी रूटीन का मैटर है। तो ये यहाँ के लोगों को, कोटला के जो भी लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में ये शिविर लगा रहे हैं? इसी एरिया में ये हमारी सांसदा, नई दिल्ली की सांसदा माननीय मीनाक्षी लेखी जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे, उन्हीं के सानिध्य में ये आयोजित किया जा रहा है। तो नई दिल्ली का तो मैं पूरा कह सकती हूँ, क्योंकि दीदी लगातार ये करवाती आई हैं, हेल्थ कैंप लगवाती आई हैं यहाँ के लोगों के लिए, नई दिल्ली जिले के लिए, और जगह जगह लगते आए हैं, तो नई दिल्ली में तो पूरा मैं कहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा कोशिश करती ही रही है कि भाई सारी दिल्ली की जनता लाभ उठाए। इस चीज़ से आपको चुनाव में फर्क पड़ेगा, आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं? सर, हम चुनाव की तो बात नहीं कहते, लेकिन ये है कि हमारी पार्टी हमेशा सेवा भाव से ही लगी है, लोगों की जितनी सेवा हो सके। देखिए, कोरोना काल में जब दूसरे लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, आम आदमी पार्टी के लोग जब घरों में छिपे हुए थे, कोई बाहर निकल के राजी नहीं था, तब भी भाजपा के लोग आगे आए और उन्होंने राशन वितरण किया। वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने लोगों को राशन दिया, दवाइयाँ दी उस समय पे। तो हमारी सिर्फ पार्टी सेवा के भाव से जाती है, चुनाव का सोचकर नहीं करती है। धन्यवाद शुभ्रा जी मेरे चैनल पर रहे। थैंक यू, नमस्कार।